असल में पलायन की समस्या का असली कारण है यहाँ के छुट्टा जानवर। तो मैं पैराशूट से कहाँ से आ गया, ये सिर्फ उनकी हताशा बताती है कि पैराशूट से उतार दिया या बाहर से आ गया। हमारा खुद का अपना निजी मकान है, यहाँ की वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, सब कुछ है। आपको अबकी बार समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है जी, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच जो मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश के हैं, पूरे भारत के हैं, वही मुद्दे हैं। जैसे बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है और किसानों की सारी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ की कुछ यहाँ ज़िले की समस्याएं हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि उसने गरीबों के लिए 5 किलो निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है, किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका वो दावा करते हैं कि सीधा लाभ जनता को मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना ये तो ठीक है, तो वो चंद लोगों को मिलता है, लेकिन आम आदमी को देखें, जो सामान्य आदमी है उसके लिए क्या है? महंगाई चरम पे है, हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हित में काम करती है और उनको आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। बेरोजगारी को देखिए, जो कभी 2% हुआ करती थी इस भाजपा सरकार के आने से पहले, आज वो बढ़कर के 24% हो गई, यानी कि 22% वो लोग जो बेरोजगार थे वो भी, उनको रोजगार मिला हुआ था वो भी बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से देखा जाए हर व्यक्ति परेशान है और हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब महंगाई पर कोई रोक ही नहीं है। अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में लगातार पलायन की समस्या बनी रहती है रोजगार को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको जनता चुनकर भेजती है तो आप इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? असल में पलायन की समस्या का असली कारण है यहाँ के छुट्टा जानवर। जो बेचारे किसान खेती बाड़ी भी करते थे, वो खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी दूसरे शहरों में जाकर के मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या। इसीलिए पलायन का एक तो ये कारण है, दूसरा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो शहरों में जाकर के कोई छोटा मोटा रोजगार करते हैं, भले ही छोटी नौकरी मिले 5,000-10,000 की, वो भी ढूंढ के अपना करने लगते, किसी तरह से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में भाजपा के जो समर्थक हैं वो लगातार आप पे ऐसा बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी पैराशूट से उतारा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है क्या, मैं 18 साल विधान परिषद सदस्य रहा हूँ, उसमें प्रतापगढ़ भी था, तो मैं पैराशूट से कहाँ से आ गया। ये सिर्फ उनकी हताशा बताती है कि पैराशूट से उतार दिया या बाहर से आ गया। हम तो 18 साल विधान परिषद सदस्य रहे, उसमें प्रतापगढ़ भी था, प्रतापगढ़ को मैंने देखा है, समझा है, यहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ, यहाँ विकास कार्य कराए हैं, और इसके अलावा हमारा खुद का अपना निजी मकान है, यहाँ की वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, सब कुछ है, तो फिर हम बाहरी कहाँ से हो गए। प्रतापगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रतापगढ़ का जो है जम के विकास किया जाएगा, शैक्षिक विकास असली हमारा, मतलब शैक्षिक उन्नयन हमारा एक और अलग से मुद्दा होगा, तो इस तरह से मिलाकर के जो उन जगहों पर जहां पर विकास कार्य नहीं कराया गया है, उन जगहों पर विशेष रूप से विकास कार्य कराया जाएगा, क्योंकि विकास का लाभ हर व्यक्ति को मिले, जनता के हर व्यक्ति को मिले, और यही उसका हक है। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, पट्टी के एक सपा नेता थे जुबैद अहमद, जिन पे कई आरोप लगे थे, उसको लेकर उनके साथ आपके कुछ वीडियोस थे जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो मुझे पता नहीं था कौन कैसा है भाई, उस व्यक्ति ने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया था तो वही एक आध वीडियो रहे होंगे, तो वो तो हमारा फर्ज है और उस पर कोई ये तो कुछ ये भी होता है, चूँकि समाजवादी पार्टी का है तो उस पर झूठे आरोप में उसको अंदर किया जाता है, बहुत से लोगों के साथ ये भी हुआ है, तो हो सकता है कुछ ऐसा भी हो।
के जाते हैं, तो आप किस विशेष मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं? यहाँ पर प्रतापगढ़ के लिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि यदि मैं चुना जाता हूँ तो एक अच्छा सा विद्यालय लखनऊ पब्लिक स्कूल, जिसका मैं संचालक हूँ, संस्थापक हूँ, उसकी एक शाखा खोली जाएगी, जिससे इस यहाँ का शैक्षिक उन्नयन होगा। यहाँ से अच्छी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे जो है बड़े बड़े कंपटीशन बीट करेंगे, विदेशों तक जाएंगे। इसके अलावा अन्य विद्यालयों का भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे शैक्षिक उन्नयन हो, क्योंकि ये प्रतापगढ़ जिला जो है शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है।